खरगोन डीआरपी लाइन में हथियारों कारतूस असला का रक्षक ही भक्षक निकल गया। डीआरपी लाइन पदस्थ आर्म्स मौर्य संकट प्रसाद को 40 कारतूस की सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। डीआरपी लाइन से गिरफ्तार हुए संकट प्रसाद ने अब पुलिस विभाग को संकट में डाल दिया है। अवैध हथियारों की तस्करी और सौदागरी में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी सुनील पांडे ने बताया कि हथियार तस्करी के इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि खरगोन जिले की भिगनगांव पुलिस ने 6 मई को लॉकडाउन की चेकिंग के दौरान 8 अवैध हथियार की तस्करी करते हुए हरदा के पुलिसकर्मी रोहित यादव को पकड़ा था। यादव के पास से पुलिस ने 5 अवैध पिस्टल, 3 देसी कट्टे, कुल 8 अवैध हथियार जब्त किए थे। 6 जिंदा कारतूस भी साथ में शामिल थे। आरोपी पुलिसकर्मी सिंगुन गांव से एक सिकलीगर से 40,000 रुपये के हथियार खरीदे थे। आरोपी सिकलीगर फरार हो गया है। आरोपी पुलिसकर्मी रोहित यादव हरदा जिले के डीआरपी लाइन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी पुलिसकर्मी के तार किसी गिरोह या नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस जांच के दौरान हरदा के पुलिसकर्मी रोहित यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। खरगोन डीआरपी लाइन के शस्त्रागार में पदस्थ आर्म मोहरीर संकटा प्रसाद अवैध कारतूस सप्लाई करता था। हरदा के आरोपी हेड कांस्टेबल को संकटा प्रसाद ने 40 जिंदा कारतूस सप्लाई किए थे। पुलिस की विवेचना जारी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले दिनों एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें हरदा जिले में पदस्थ एक हेड कॉन्स्टेबल से अवैध पिस्टल बरामद की गई थी। उसका पुलिस रिमांड लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसके बाद पुलिस रिमांड में लेके उसके घर पे दबिश दी गई हरदा जिले में। तो वहाँ उसके घर से कुछ अवैध कारतूस जो प्रोहिबिटेड बोर के थे वो भी मिले। उससे पूछताछ हुई, उसने बताया आर्मोरर संकटा प्रसाद ASI हैं, उनसे उन्होंने इसको अवैध रूप से लिया था। इसके आधार पर संकटा प्रसाद को भी आरोपी बना के गिरफ्तार किया गया है। हरदा में जिन लोगों को इन्होंने सप्लाई किया था अवैध हथियार, उसमें से भी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस तरह सभी 4 आरोपी हमने अरेस्ट कर लिए हैं और एक जिससे इन्होंने खरीदा था चट्टान सिंह, वो फरार है। आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बताया ना, ये प्रोहिबिटेड बोर्ड थे जो केवल पुलिस को होते हैं। तो चूंकि इसने आरोपी ने ये बताया कि हमने संकटा प्रसाद से लिए थे, उस आधार पर संकटा प्रसाद को आरोपी बनाया गया और उनको अरेस्ट किया गया। कहीं ना कहीं गिरोह भी हो सकता है इस प्रकार से 3-4 लोग हो सकते हैं। देखिए, उसने जो पिस्टल यहाँ अवैध रूप से ले गए थे, जितनी पिस्टल ले गया था किसी न किसी को सेल किया है। तो जितने नाम हमको पता चले थे उनमें से हमने दबिश दी है। अभी कुछ आरोपी हमें मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, तो आगे हम कार्रवाई करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।